डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर गुरुवार की सुबह से काम पर वापस लौट आए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने यह निर्णय कॉलेज प्राचार्य के इस आश्वासन पर लिया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल तीमारदारों से मारपीट करने पर कॉलेज प्राचार्य ने 3 चिकित्सकों को निलंबित कर दिया था, जबकि पीड़ित परिवार की गुहार पर पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट में 4 रेजिडेंट चिकित्सकों के खिलाफ SC/ST की संगीन धारा भी जोड़ दी थी। आंदोलनरत चिकित्सकों का कहना था कि इस मामले में SC/ST की धारा बनती ही नहीं है। इसे लेकर चिकित्सकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। न्याय की मांग करते हुए बीते दिवस से जूनियर डॉक्टर धरने पर बैठे हुए थे। आज FirstBite.TV के संवाददाता जिया ने कैमरा पर्सन अर्जुन त्यागी संग धरनारत चिकित्सकों से बात की। देखिए, मेरा नाम है डॉक्टर ईशान धनुज और मैं JR3 हूँ रेडियो डिपार्टमेंट से। तो आप यहाँ कैसे बैठे हैं आज? हम लोगों की यहाँ स्ट्राइक चल रही है, जो एक तरफा अभी 23 अक्टूबर में हमारे जो रेजिडेंट हैं ऑर्थो के 4 रेजिडेंट हैं, JR3 काम कर रहे थे अपना, तो वहाँ पे एक पेशेंट आया। यूजुअली पेशेंट आते ही रहते, तो उस छोटा बच्चा था, उसकी फिंगर कुछ कटी हुई थी, वो थोड़ा सा पहले से पट्टी लगा के लाए थे अपने घर से या जहाँ से भी। तो पट्टी हटाने के लिए हमारे रेजिडेंट ने पट्टी हटाई तो बच्चा रो रहा है। दरअसल क्या, माइनर ओटी में सारे अटेंडेंट घुस जाते हैं, सब जो घुस गए थे अटेंडेंट, तो उसमें 4-5, 2-3 लोग दारू भी पी रहे थे मेरे ख्याल से, ऐसा था कुछ। और फिर बच्चा जब रो रहा था तो वो लड़का फ़ोटो ले रहा था। हमारा JR3 यहाँ प्रोटोकॉल है कि जो भी चोट वोट लगी होगी किसी की भी, उसकी कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे, वो ग्रुप पर डलते हैं ऊपर सीनियर्स के लिए, बाकी सीनियर्स के लिए। बट JR3 इतना सक्षम है कि वो इलाज करने में सक्षम था, बट फिर भी हमारा प्रोटोकॉल है। तो हुआ ये, उन्होंने उसका फ़ोन फेंका वेंका और थोड़े से वहाँ पे बस ये हुआ कि फ़ोन फेंका तो उन्हें JR को थोड़ा सा गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा इनको थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। तो वो बाहर निकालने का वीडियो इस तरीके से वायरल हो गया है कि उस पर एक तरफा कार्रवाई होने लगी थी। जी, तो आपसे कल राज्य मंत्री मिले थे, जी जी, क्या कहा? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, पॉजिटिव है, उन्होंने बोला है कि ठीक है, दोनों तरफ से पक्षों की बात दोनों तरफ से नहीं आई सुनी गई थी, इसलिए अब उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने बात करी तुरंत और एक पॉजिटिव रिजल्ट थोड़ा सा रहेगा। प्रिंसिपल सर से भी बात हुई है, पहले भी हो रही थी बट अभी थोड़ा सा पॉजिटिव है। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो FIR है उनके खिलाफ से, जो SC/ST एक्ट है वो सब हट जाए, क्योंकि जो SC/ST एक्ट लगा है उसमें जो हमारा जो डॉक्टर है वो खुद SC समाज से है, तो उस पर ये SC/ST एक्ट लगा दिया गया, इसका बात समझ में नहीं आएगी। एक्चुअली कल शाम हमारी मीटिंग हुई थी CO साहब के साथ, कप्तान साहब के साथ, सब मंत्री जी भी यहाँ आए थे, तो सब लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि जो हमारे खिलाफ जो मुकदमे लगे हैं उनमें फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जांच समिति की रिपोर्ट को भी कंसीडर करा जाएगा और उसके बाद जो है फिर फैसला लिया जाएगा। बाकी हमारी सिक्योरिटीज़ के जो इशू थे वो प्रिंसिपल साहब ने बोन को DGME को चिट्ठी लिखी है और होपफुली जो है उस पर भी जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा जो है जहाँ जहाँ बच्चों ने बताया कमी है तो वहाँ पर लग जाएंगे। प्रिंसिपल साहब ने अभी आपको ये आश्वासन दिया है? जी मैडम, ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है फिर इन्वेस्टिगेशन होगा और जो है हम लोगों को भी न्याय मिलेगा। तो आप लोगों की स्ट्राइक अब खत्म हो चुकी है? ये हमारा एक विरोध प्रदर्शन था, क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से हमारी बात कहीं सुनी नहीं जा रही थी, तो हमने अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ जारी रखा। हम OPD और इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चालू थी। आज हमारा जो है, हमने मरीजों के हित में जो है, हम अपने और प्रिंसिपल साहब के आश्वासन से हमने जो है अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, हमारी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती, तो फिर हम बाकी जो है विचार करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा स्ट्राइक करेंगे। सबसे अभी फिलहाल खत्म हो चुका? हाँ जी हाँ, अब जो है सारी OPDs और इमरजेंसी सेवा चालू है। इस बारे में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर RC गुप्ता ने FirstBite.TV को यह जानकारी दी। यहाँ पर डॉक्टर्स स्ट्राइक पर बैठे हुए थे 2 दिन से पिछले, और कल उसके बाद DMSSP भी मिले हैं यहाँ पर आकर। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, आप क्या कहना चाहेंगे? 23 तारीख की घटना है जिसमें कि हमारे इमरजेंसी में एक बच्चा आया था, जिस बच्चे के साथ 6-7 अटेंडेंट थे,
वो बच्चे को चारे की मशीन से हाट अंगूठा कटा हुआ था, तो वो वहाँ पे उसकी ड्रेसिंग हो रही थी, उस ड्रेसिंग के दौरान ही कुछ वहाँ पे कहा सुनी हुई और उसका इलाज बल्कि स्टार्ट हो गया था, लेकिन शायद बच्चे की जो है जो दर्द होगा उसको नहीं सह पसाए होंगे या अटेंडेंट ज़्यादा रहे होंगे, उसकी वजह से वहाँ पे कुछ कहा सुनी हुई, उसके बाद फिर उसमें कुछ मारपीट आपस में हुई, जिसकी वजह से हमने तुरंत तत्काल जो है जो वीडियो उसका एक वायरल हुआ, उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए हमने तुरंत तत्काल जो है जो लोग वीडियो में डॉक्टर दिख रहे थे, 3 डॉक्टर, उनको मैंने सस्पेंड किया और एक कमेटी हमने बना दी थी जांच करने के लिए। उसके बाद फिर जो मरीज के अटेंडेंट थे उन्होंने जाकर के पुलिस में उनके खिलाफ FIR दर्ज किया, जो डॉक्टर थे उनके खिलाफ अज्ञात डॉक्टरों किया था, जिसमें बाद में फिर जो है जो विवेचना अधिकारी ने शायद 4 लोगों को उसमें चिन्हित किया, तो 4 लोगों के साथ को FIR हुई। उसके बाद फिर घटनाक्रम ये हुआ कि जो वादी ने शायद दोबारा जा करके SSP साहब के यहाँ जाके उसने एप्लीकेशन दी कि भाई हम SC हैं, और उन्होंने वहाँ पे जांच सूचे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो अब जो भी प्रोविज़न हो, प्रोविज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जो सुना कि वो जो है उसके बाद फिर उसमें जो SC ST एक्ट भी उसमें धारा भी वो भी बढ़ाई गई उसमें, जबकि मेरा और हमारे स्टूडेंट्स का ये कहना था या जितने भी कानून के जानकारों से भी हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज में या अस्पताल में कभी कोई किसी मरीज से कोई जात तो पूछता नहीं है, और इवन झगड़ा भी हो जाएगा तब तो फिर तो उसमें जात पूछने का तो टाइम भी नहीं रहेगा, तो जो भी है, लेकिन अब पुलिस ने जैसे जैसा भी किया तो इनका विरोध इस बात से था, और उसके बाद फिर ये भी गए कि भाई हमसे मिल लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, तो SSP को साहब का टाइम नहीं था या जो भी था, उनसे मुलाकात उनसे नहीं हुई, तो इस बात से इन 2 बातों से लोग एजिटेटेड थे कि हमारी एक तो बात नहीं सुनी जा रही है, उसके बाद उसके मतलब घटना से पहले क्या चीज़ हुई थी ये कोई सुनने वाला नहीं है, और हमारे ऊपर SC ST भी लगा दिया गया है। इन्होंने परसों हमको जो है इन्होंने शाम को एक लेटर दिया कि सर हम जो है अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और हम कल से कार्य का बहिष्कार करेंगे, तो हमने फिर काइट को समझाया था कि अभी जरूरत नहीं, विवेचना होने दीजिए, फिर देखते हैं लोग क्या होता है फिर, लेकिन खैर ये लोग जो है नहीं माने और ये अपना विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर उन्होंने टेंट लगाया। फिर कल हमने जो है वो डॉक्टर सुमेन तोमर जी से रिक्वेस्ट किया कि सर आप थोड़ा सा एक बार आके मिल लीजिए, तो माननीय मंत्री जी आए और हमारे साथ हम लोग दोनों साथ में मिले बच्चों इन लोगों से, और इन लोगों को कहा कि इनका पूछा मंत्री जी ने क्या है, तो उन्होंने बताया कि भैया हमारी ये ग्रीवेंसेस हैं, तो उन्होंने अपने लेवल पे उन्होंने बात किया SSP से भी और विवेचना अधिकारी से भी कि भाई इनकी बात तो सुनिए क्या कहना चाहते हैं, भाई इनको आप मौका दीजिए इनको अपने अपना पक्ष रखने का, तो ये उन्होंने कहा। तो उसके बाद फिर SP साहब से टाइम लिया इन्होंने, वो मिलने गए, उसके बाद उनसे मिलने के बाद फिर IOS मिले, फिर उसके बाद उनका काफ़ी कुछ इनका जो ग्रीवेंस था वो काफ़ी कुछ रिजॉल्व हो गया। तो शाम को इन्होंने हमसे कहा था कि सर हम लोग तय करेंगे, सुबह फिर हम मिलने गए इनसे, मतलब उन्होंने बुलाया हम बच्चों ने हमको, फिर हम मिलने गए, तो उन्होंने कहा नहीं सर हमारी सारी ग्रीवेंसेस सॉल्व हो गई हैं, थोड़ा सा अपने यहाँ हम आपस में बात कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो अभी इन्होंने मुझे ये बताया है कि सर हमारी ग्रीवेंसेस आप लोगों ने मिल करके सब दूर करा दी हैं, और तब तक के लिए जब तक कि हमारी बात सुन करके और हमारा पक्ष भी ठीक से नहीं रखा जाता है, तब तक के लिए हम इस विरोध को वापस लेते हैं, अपना काम पे वापस जाएंगे, मरीजों को परेशानी हो रही है, और वैसे तो इन्होंने कल भी इमरजेंसी और जो मेन चीज़ें थे सब चालू रखा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, और हम लोगों ने सीनियर डॉक्टर्स की भी लगा दी थी, जिसमें डॉक्टर भी वहाँ पे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।